अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा भाई। काफ़ी देर बाद आते हैं, और तभी आते हैं जब नया स्टॉक आता है, नए टैब्स आपके लिए लेके आते हैं, नए यूज़ मोबाइल आपके लिए लेके आते हैं, और वो वाले मोबाइल लेके आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट से सस्ते प्राइस में आपको दे रहे होते हैं। तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि आपको रेट जो है वो सस्ते देंगे। पहले आपको मुस्तफ़ा भाई से ही मिला देते हैं। मुस्तफ़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुस्तफ़ा, मैंने गलत तो नहीं कहा कि रेट सस्ते देंगे यार? आपके सामने हैं रेट, इतने प्यारे हैं। आपको पता है हर रोज महंगाई हो जा रही है, लेकिन इस महंगाई में भी हम प्राइस अच्छी ही दे रहे हैं कस्टमर को। तो भाई प्राइस आपको अच्छी ही मिलेगी, कितनी अच्छी मिलेगी ये तो हम वीडियो में देखेंगे। हाँ। तो प्राइस मेरी तो वैसे कोशिश है कि मुस्तफ़ा भाई कुछ ना कुछ जो है वो रिलैक्स ही रखें, आप काम रिलैक्स ही देते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ज़्यादा देखने वाले जो है वो आईफोन ज़्यादा देखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि सस्ता हमें आईफोन मिल जाए। लेकिन साथ में एंड्रॉयड वाले भी हैं जो कहते हैं कि यार कोई सस्ता एंड्रॉयड मिलता हो तो फिर हम लें। तो भाई आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना। शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुस्तफ़ा भाई का नंबर आपको वहाँ पर भी मिलेगा और वीडियो में भी जगह जगह मिलेगा। तो मुस्तफ़ा भाई वीडियो शुरू करें। चलो ठीक। लेकिन उससे पहले भाई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे कहीं भी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं जी। मुस्तफ़ा भाई, लगता है आपने जितने भी कम बजट वाले ना, उनका आपने सबका ठेका ले लिया कि यार हम देंगे कम बजट में। और गाइस, स्टॉक आप देख लें, स्टॉक में आपको पहले दिखा दूँ ज़रा सारा। इस बार जो मुस्तफ़ा भाई टैब्स भी आपके लिए लेके आए हैं, और ये टैब जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं। और आईपैड भी पड़ा हुआ है A2। इसके अलावा LG में मॉडल आ गए हैं भाई, ओप्पो में है, रियल मी भी है, उसके अलावा रेडमी भी है, वन प्लस भी है, और भाई आईफोन भी हैं। तो मुस्तफ़ा भाई शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू पहले हम टैब से करते हैं, क्योंकि मार्केट में टैब जो है ना बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है, और प्राइस भी नहीं इतनी अच्छी होती। हमारी टैब भी अच्छी हैं और प्राइस भी मुनासिब है, इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेंगी जो भी लेके जाएगा। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं फिर। ये वाला मुझे बताएं पहले, ये कौन सा मॉडल है? ये सैमसंग टैब A2020 है, 3GB 32GB में है। बस ये मुझे बता दीजिएगा कि ये कितने GB वाला भी है, और इसमें सिम चलती है या वाईफाई वाला? वाईफाई है, सारे वाईफाई है। सारे वाईफाई जो होगा मैं वो आपको बता दूंगा, अगर सिम वाला है। चले, जो हो सिम वाला वो हमें बता दीजिएगा कि ये सिम वाला है। हाँ जी, तो बाकी हम दिखाते जाते हैं। अच्छा पहले इसके मुझे बता दें, ये 3GB 32GB में? हाँ, सैमसंग का टैब A2020। तो प्राइस इसके क्या होंगे? ये 26 का है, ये 26,000 में गाइस आपको मिल जाएगा। अच्छा, और ये भी मुझे सैमसंग का ही कोई लग रहा है। ये अल्काटेल का टैब है। अच्छा, 3GB 32GB अल्काटेल का भी, 3GB 32GB अमेरिकन टैब है। ये तो मुझे लग रहा है कोई नई शिपमेंट आई है, पेपर भी नहीं उतारे आपने इसके। हाँ जी, बस। अच्छा तो इसके क्या प्राइस होंगे? ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपए में। ये 18? अच्छा, ये भी वो वाईफाई वाला है? वाईफाई वाले, वाईफाई वाले, ठीक है। और ये भाई शॉमी का भी आ गया भाई इस बार तो। ये 2GB 16GB है, और इसका वजन उन दोनों से ज्यादा है शॉमी का भाई। ये देख ले, ये कौन सा मॉडल है? ये एम आई का कोई मॉडल है। अच्छा, एम आई का ही कोई मॉडल है भाई, और इसमें ये इन्होंने स्लॉट दी हुई है, ये डेटा सिम वाला है यही सिम वाला है? नहीं, वाईफाई सारे। अच्छा, सारे मेमोरी कार्ड सब में लग जाता है। ठीक हो गया, तो इसके क्या प्राइस होंगे? ये 14,500 का है। ये 14,500 में होगा? हाँ जी भाई, देख लें ब्रांड पे जाएंगे तो आपको 14,500 में मिल जाएगा। अच्छा अभी आते हैं आगे लिनोवो पे। मुस्तफ़ा भाई, हाँ जी, लिनोवो, लिनोवो का कौन सा मॉडल है? ये टैब 2 है। ये टैब 2 है भाई लिनोवो का, और ये देख लें आपको यूज़ में भी आपको अच्छी खासी कंडीशन में मिल रहे हैं। तो इसके क्या प्राइस होंगे भाई? ये आपको मिलेगा 13,000 रुपये। ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए कम प्राइस देने हैं, वो मार्केट वाले रेट नहीं देने आपने। हमारे पूरा फीस है ना, ढूंढ ले इस रेट पे नहीं चीज़ें ये मिलेंगी, टैब वगैरह। ठीक है। अच्छा, ये डोकोमो का डी टैब, ये हवावे वालों का, ये इसकी काफ़ी जो है ना डिमांड चल रही है। हाँ, ये जापानी टैब है। अच्छा, ये देख लें भी, ये हारमन कार्डन के स्पीकर हैं, हवावे टेक्नोलॉजी है, मेड इन चाइना है, जापानी टैब है, जापानी टैब है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है? हाँ जी, फिंगरप्रिंट। और ये गाइज इसमें सिम लगती है, ये देख लें, ठीक है, सिम कॉलिंग के साथ है। कॉलिंग सिम के साथ है। तो इसके क्या प्राइस होंगे? ये डाटा सिम, ये आपको मिलेगा 21 में, 21K में हवावे का डी टैब। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ये ज़रा इसको ज़रा पहले साइड पर रखते हैं, जो नीचे पड़े पहले इनका दिखा दें हम, इसका बता दीजिए ज़रा। ये TCL टैब है, 3GB 32GB में अमेरिकन टैब है, ये 21,000 रुपये में है। टीवी तो इनके बड़े मशहूर हैं टैब गाइज, आप यूज़ करेंगे तो बताइएगा कमेंट में कि कैसा है। अगर कोई यूज़ कर रहा है
तो वो भी बता दे भाई, ताकि जो बाकी देखने वाले अगर वो कमेंट पड़े तो उनको पता चल जाए कि TCL के टैब कैसे हैं। अच्छे अच्छे टैब है TCL के, टैब अच्छे हैं इनके, बहुत अच्छे हैं। तो आप कह रहे हैं तो चलाने वाला बताएगा हाँ, ना वो भी मैं चलाए, जिन्होंने चलाया बार रिपीट हुए हैं ना, ठीक है पहले बेचे हैं उसके बाद फिर दोबारा इसकी मंगाई है, इसकी वैल्यू ज्यादा है हाँ, रिपीट हुए हैं ठीक है। और ये कौन सा डी टैब? ये हवावे हवावे का है डोकोमो 10 इंच में, ये 22,000 रुपये का है 10 इंच में गाइस, ये 3 32 और इसमें पता नहीं सिम लगती है कि नहीं लगती, नहीं वाईफाई है, ये वाईफाई वाला है स्पीकर, आपको ये नज़र आ रहे हैं इसमें चारों तरफ, दोनों तरफ स्पीकर हैं भाई, ठीक हो गया। और इसके क्या प्राइस था? 22,000। हाँ जी। अच्छा अभी आते हैं ये ज़रा इसका बताएं ज़रा, A2 का। A2 मिलेगा 18,000 रुपये में आपको, सिर्फ 18,000 में A2 आपको मिल रहा है भाई। ये कितने GB में? ये 16 GB में, 16 GB में, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अभी ये कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है, ये नीचे कवर किया हुआ है? ये M10 है, ये M10 है, लिनोवो का M10। हाँ लिनोवो का M10 है भाई, कवर इसका आपको इसके साथ मिलेगा और प्रोटेक्टर भी लगा हुआ, प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अच्छा हाँ प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो प्राइस इसके? ये आपको मिलेगा 29 का, 29 का ये वाला मिल जाएगा भाई। अच्छा अभी ज़रा बढ़ते हैं ज़रा, मुझे जो ना ये वाला ये रह गया लिनोवो का टैब 10 प्लस, M10 प्लस, ये 4128 में। हाँ जी 4128। और वो कितने में था? वो 3 32 में, वो 3 32 में। ये भाई 4128 में है लिनोवो का टैब M10 प्लस, ये प्लस में आ गया है। तो ये कितने इंच में है? ये सेम उसके से ही है, 10 इंच से ज़्यादा ही है, 10 इंच से ज़्यादा ही है, 12 इंच में होगा फिर, 11 में 10.5 11। अच्छा चले कोई बात नहीं, वो आप हमें प्राइस बताएं इसके क्या होने वाले। ये आपको मिलेगा 40,000 रुपये में, और इसमें 3 32 वाला है वो आपको मिलेगा 30,000 रुपये में, वो 30 में मिलेगा, ये 40 में मिलेगा भाई प्लस 4128। अच्छा अभी आ जाइए ज़रा जो है शॉर्ट सा जो है योगा टैब, ये भाई योगा टैब है, और ये इसका पीछे स्टैंड है, ये खुल जाता है, और इसकी कंडीशन आप देख लें रिनोवो का ये भी। अच्छा ये कितने GB में है ये भी मुझे बता दें? ये 216 में है, ये 216 में है गाइस। तो मुसा भाई प्राइस इसके? ये आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में, योगा टैब 15,000 रुपये में मिल जाएगा, 2 GB 16 GB, 2 GB 16 GB में। अच्छा मुसा भाई अभी आते हैं ज़रा ये ऊपर वाली लाइन में, मोबाइल्स वाली लाइन में, 7 प्लस। हाँ जी 128 GB। हाँ जी। और ये PTA है? PTA प्रूव है। तो बैटरी हेल्थ कितनी इसकी? बैटरी हेल्थ चेंज है, 100 है। अच्छा चेंज है, लेकिन बोर्ड पे ऊपर कोई काम नहीं हुआ, फ्रेश पीस है, डब्बा साथ है इसके, डब्बा वगैरह साथ है भाई, हर चीज़ ओके है। ये आपको मिल रहा है 47 में, 47 में 128 GB PTA अप्रूव्ड गाइस आपको मिल रहा है 7 प्लस। अच्छा और ये 12 जस्ट डब्बा ओपन है, 100 बैटरी हेल्थ है, और ये आपको मिलेगा 118 में। ये इसका बॉक्स पड़ा हुआ है? बॉक्स डाटा केबल सारा कुछ है भाई, सारा कुछ है। 118 में आपको मिल जाएगा 64 GB iPhone 12, ठीक हो गया। अच्छा अभी बढ़ते हैं ये वन प्लस पे, 12256, ये कौन सा वाला है? सी 12256 डब्बा है, चार्जर है, ऑल एक्सेसरी के साथ है। अच्छा और ये PTA वाला है भाई, ठीक है। तो मुस्तफा भाई प्राइस अच्छे देने हैं यार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गिला करते हैं कि प्राइस अच्छे नहीं देते। नहीं प्राइस अच्छी तो है, प्राइस जो है वो आपने कम ही देने हैं। इसके प्राइस क्या देंगे आप? 75 का, 12256 में, डब्बा चार्जर आर एक्सेसरी के साथ, 75 में, ठीक है। और इसके साथ वाला इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है इसका? इसका तो बैक पे है ना, उस पर उसका उसका है। हाँ। अच्छा ये जो 10 5G है ये आपको मिल जाएगा 41 में। अच्छा गाइस ये देखें 6128 है। हाँ जी ये 41 में आपको मिल जाएगा, ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन नीचे से क्लियर होगी। और N100 31 पे मिल जाएगा आपको, देख रहे हैं अभी 31 में आपको मिल रहा है वन प्लस N100। अच्छा मुस्तफा भाई एक एक ये 5G मॉडल है, एक चीज़ बता दें, चले 5G तो आपने बता दिया, ये रीफोक वाले तो नहीं है? ये बाहर से स्टॉक आता है। अच्छा ये जो बाहर से स्टॉक आता है ये वही वाला है? हाँ, ये हार रोड वाला रीफो वाला नहीं, वो नहीं हार रोड वाला नहीं, हमारी अपनी इंपोर्ट में आता है, बाहर से स्टॉक होता है ये, ठीक हो गया। मैंने गाइज आपको क्लियर कर दिया कि भाई ये वो इंपोर्ट है जो मुसा भाई की अपनी है, हार रोड वाला सीन नहीं है कि रीफब होंगे। अच्छा अभी ये रेडमी का एक पड़ा हुआ है, एक और रेडमी का, अच्छा नहीं वो रियलमी का था, ये कौन सा है? रेडमी नोट 11। ये भी रेडमी नोट 11 है, 6 GB 128 GB में, PTA है, ड्यूल सिम है,
और ये आप देख ले, प्रोटेक्टर वगैरह सारा जो है वो ऊपर इसके नहीं लगा हुआ, शीट लगी हुई है। तो ये आपको जो है वो मसो भाई ये आपको मिल जाएगा 36 में। 36 में। और ये वाला ये 628 में है, ये मिल जाएगा आपको 32,000 रुपये में। ये रेडमी 9 प्रो, 9 प्रो भाई, MI 9 प्रो, रेडमी 9 प्रो, ये आप देख लें भाई, ठीक हो गया। अच्छा अभी बढ़ते हैं आगे ओप्पो की तरफ। पहले इसका मुझे बताएं, ये जो ओप्पो रेनो 2 पड़ा हुआ है, रेनो 2 है ना ये? रिनो जी। हाँ तो इसका ज़रा बताएं, इसका पॉपअप कैमरा था ना? नहीं इसका नहीं, इसका इसका सिंपल। हाँ मॉडल इतने आगे थे पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या आ रहा है। अच्छा तो इसकी ये कितने GB में? ये 628 में। 628 में। और प्राइस इसके? ये आपको मिलेगा 29 का। 29 का गाइस आपको मिल जाएगा। अब देख लें आपको इतना सस्ता रीनो सीरीज कहाँ से मिलेगी। ये ओप्पो F11 ये 28 में, ये 28 में भैया आपको मिल जाएगा। ये कितना, 464 में? 628। 628 में। अच्छा मेरी कोशिश है गाइस के जल्दी जल्दी आपको जो है वो सबके प्राइस बता दिए जाएँ, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा ये देख लें तो पसीना आता जाता है। अच्छा ये कौन सा है भाई? ओप्पो A16। ये A16 है भाई, ओप्पो A16। ये कितने GB में है और कितने में मिलेगा? ये 464 में है। ये 464 में है। और प्राइस इसके क्या होंगे? ये 30,000 का। ये 30,000 में होगा। आगे रियल मी वीवो आ गया, वीवो आ गया, आगे वीवो आ गया। अभी 50 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है। और मॉडल हमें बता दें आप मसौबे कौन सा है? वीवो Y21S। Y21S है भाई ये। तो प्राइस इसके? ये आपको मिल जाएगा, ये भी 29 का है। अच्छा ये 464 में, 628 में? ये 628 में, 628 में। और आगे ये 628 जो है ये तो हमें पता चल ही गया अभी, वन प्लस N20 FE, ये फैन एडिशन है, ज़बरदस्त। तो इसका क्या सीन होने वाले फसो भाई? ये आपको मिल जाएगा 34 में। 34,000 में आपको मिल जाएगा भाई, ऊपर प्रोट्रैक्टर लगा हुआ है। आगे आ गया जी रियल मी, रियल मी भी आपको दिखाते हैं गाइस, बड़ा प्यारा शेड लगाया। ये 9C वाला तो नहीं लग रहा मुझे? नहीं ये 9 सीरीज का जो है, रियल मी 9i है। 9i। अच्छा भी इसका देख लें, बॉक्स भी पड़ा होगा ये देख लें, 6 माह वारंटी के साथ भी, 6 महीने इसकी वारंटी बाकी है, 6128 में है ये। तो वीवो Y20। अच्छा इसके पहले मुझे प्राइस बता देना। ये आपको मिल जाएगा 49 में। 49 में। और ये वीवो Y22? हाँ 4128। ये 4128 में। तो इसके क्या प्राइस होंगे? ये 10 माह वारंटी के साथ है, ये आपको मिल जाएगा 42 में। 42 में मिल जाएगा, 10 महीने इसकी वारंटी है। अच्छा अभी आते हैं वो मॉडल जो के हमें हाल फी सेंटर में नहीं मिलते, LG के मॉडल गाइस। ये मुझे बताएं कि LG का ये कौन सा मॉडल है? G6। ये G6 है। और इसके कितनी रैम रोम क्या है? ये 4/64। ये 4/64 में है। 4/32 है। 4/32। प्राइस? ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपये में। ये 18,000 में मिल जाएगा। और ये V50? V50 है, 6 GB, 128 GB में, 865 इसका प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 865 है भाई, गेमिंग फ़ोन है, ठीक हो गया। तो ये इसके क्या प्राइस होंगे? ये 42 का। ये 4128 में है, 6128। अच्छा, नहीं 4 लिखा हुआ, नहीं वो 4128, 6128। अच्छा ये 6128 में। हाँ चले अभी इस पे आते हैं, ये एक नया मॉडल 4/64 में है LG का। ये 4/64 में है भाई LG का। ये मॉडल कौन सा है? Q52 है भाई, ठीक हो गया। तो मुझसे भाई इसके क्या प्राइस दे रहे हैं? ये आपको मिल जाएगा 29 में। ये 29 में मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी गाइस, मुस्तफा भाई का नंबर आपको वीडियो में जगह जगह नज़र आ गया होगा, अगर नंबर मिस कर दिया है तो वीडियो को रिवर्स कर लें, या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, शॉप का एड्रेस और मुस्तफा भाई का नंबर आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।